खेत में लगी आग, लाखों का नुकसान। खबर यूपी के फलावर से। गेहूं के खेत के बराबर से नगर पंचायत फलावर द्वारा कबाड़ डालने से किसान मुजीब के खेत में आग लग गई, जिससे किसान की 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। नगर पंचायत को खबर देने पर भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। दमकल की गाड़ी भी देर से पहुंची। नगर पंचायत के पास ही खेतों के पास कूड़ा डालने से किसानों में रोष प्राप्त है। आग नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा थोड़ी सी चूक होने से आग लगी है। आइए जानते हैं इनके बारे में, आग कैसे लगी है। आपका नाम? अच्छा, ये बताओ ये आग कैसे कैसे लगी? ये सामने बाद में रोड पर जो कूड़ी पड़ी हुई है, इसमें जो है कूड़ा लेके आते हैं, ट्रॉली के अंदर उसमें आग आ जाती है, ट्रक वगैरह उससे जो है पन्नी वगैरह कूड़ा पड़ा है, आग लगनी शुरू हुई और लगते लगते खेत के अंदर लगनी शुरू हो गई। और ये खेत है, इसमें कम से कम 3-3.5 बीघे गेहूँ जलकर बिल्कुल राख हो गए। अच्छा, ये बताइए जो कर्मचारी के नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा चूक हुई है, नगर पंचायत से कोई अभी तक आया ही नहीं आया? नगर पंचायत से कोई नहीं आया अभी तक। दमकल की गाड़ी को फोन किया था, वो आई थी, आग पर काबू पाया गया। फलावर मेरठ से ग्राउंड रिपोर्टर अभय शर्मा की रिपोर्ट।